जवान मूवी इस समय चारों तरफ छाई हुई है, बॉलीवुड से लेकर और जितने भी हिंदी सिनेमा के क्रिटिक्स हैं या ट्रेड एनालिस्ट हैं, वो सारे सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इसको चर्चा के विषय बनाए हुए हैं और चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन एक और नैरेटिव है जो मानती है कि जवान मूवी यहाँ तक पहुँचने में एक बहुत बड़ा कारण है कॉरपोरेट बुकिंग, तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक छोटा सा चीज आपको बता दूं, कॉर्पोरेट बुकिंग होता क्या है। कॉर्पोरेट बुकिंग ऐसा होता है कि जब आप किसी, जैसे मान लीजिए मिठाई की दुकान है आपकी और आपको सोचना है कि यार यार मैं मिठाई को इसको कहाँ कहाँ भेज सकता हूँ, तो क्या होता है कि आप जो है इस मिठाई को, जैसे ऐसे जो आपके कहीं इवेंट चल रहा हो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि भाई आप इसको ले लो, हम कम पैसे में दे रहे हैं। या ऐसे भी होता है कि जब आपको कोई गणपति आ रहा है तो उसमें आप उसको दे सकते हैं, या किसी व्यक्ति से आप ऐसे बात कर सकते हैं कि आपने दिवाली में किसी को या किसी भी चीज़ में आपको मिठाई बांटना है अपने एम्प्लॉई को, तो आप ले हमारे से डायरेक्ट ले सकते हैं, ये हमारा ऑफर है। तो मैं मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब इस कॉर्पोरेट बुकिंग के नाम पे बड़े बड़े जो मूवी होती है या प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिनका रीच होता है, जैसे OTT पे बेचते हैं या हर जगह जैसे सिनेमा पे बेचती उसका म्यूजिक बेचते हैं कहीं, या किसी चैनल पे बेचते हैं, टिकट को खरीद लेते हैं अपने इम्प्लॉय के लिए खरीदे, या जैसे बुक माई शो है उन्होंने अपने से बुक कर लिया और बाद में वो अपने तरीके से उसको सेल करे, ये एक स्ट्रेटेजी होता है। लेकिन इसको कैसे मिसयूज किया जाता है, हर चीज़ को मिसयूज करने का भी एक तरीका होता है। तो फिल्म इंडस्ट्री ऐसे अपने तरीके से इस चीज़ का फायदा भी उठाती है। तो ये एक तो कॉर्पोरेट बुकिंग बारे में मैंने बता दिया, लेकिन अब हम चर्चा करेंगे जवान के जो है जो 14 डे का कलेक्शन है और 15 डे का जो बॉक्स ऑफिस एडवांस बुकिंग है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे जरूर बोलूंगा कि मैं हूं रणधीर सिंह का, स्वागत है मेरे चैनल में आप लोगों का। और आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, अच्छा हो या बुरा हो, कई कमेंट अच्छे लगते हैं, कई कमेंट मेरे ऐसा लगता है कि मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, लेकिन दोनों का स्वागत है, सबका अपना ओपिनियन है और मैं सबको इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, चाहे निगेटिव कमेंट मेरे लिए बोलें या अच्छे कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का ऐसा शुरू करते हैं कि जवान का जो अभी तक का कलेक्शन है, मैंने आपको बताया था डे जो 12 था उसका, तो डे 12 तक इसकी कलेक्शन हो गई थी। मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि इसकी टिकट जो सेलिंग हुई थी वो हुई थी 1,58,211, उससे उसके जो एडवांस बुकिंग हुई थी 3,28,00,000, और उस दिन उसने कमाया था 14,25,00,000 हिंदी से, जो हिंदी से पूरा इसका टोटल हो जाए 444,70,00,000। और इसी में अगर पूरे इंडिया मिला दे, साउथ का मिला देते हैं, तो ये हो जाता है केवल तमिल तेलुगु से ये 51,55,00,000 रुपए कमाती है, जो सारा मिला देते हैं हिंदी का तो हो जाता है 493,88,00,000। इसमें ही अगर साउथ का भी मिला देते हैं तो ये हो जाता है पूरी 508,60,00,000 रुपए, और ग्रॉस इसका हो जाता है 590,00,000, और इससे ओवरसीज को कमा लेती है 287,00,000, और पूरे वर्ल्ड वाइड में इसका कलेक्शन होता है 877,97,00,000, मतलब 878,00,000। अब आते हैं 13वें दिन पे, 13वें दिन की एडवांस बुकिंग इसकी जो 12वें दिन से उससे कम हुई, कम हुई तो इसके 1,15,000 टिकट सेल हुआ, जिसमें 2,22,00,000 के करीब इसका जो एडवांस बुकिंग हुआ, उस दिन उसने कमाया 12,90,00,000 रुपये, और इसके साथ ही पूरे हिंदी में इसकी कमाई पहुंच जाती है 497,60,00,000 रुपए, और इसके साथ ही इसकी पूरी इंडिया में साउथ को मिला लें तो पूरी इंडिया में इसकी कमाई हो जाती है 508,00,000, और पूरे ग्रॉस इसका हो जाता है 608,00,000 के आसपास, और ओवरसीज में 293,00,000 तक इसकी कमाई पहुँच जाती है। सबको मिला दें तो इसकी कमाई हो जाती है वर्ल्ड वाइड 901,00,000। ये है पूरा गेम है 13 तारीख तक का। अब आते हैं हम 14वें दिन। अब 14वें दिन का जो इसका जो पूरा जो कमाई है या कलेक्शन है, अभी तक कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आया है, लेकिन जब 14वें दिन में इसकी टिकट सेलिंग हुई 1,22,085 टिकट सेल हुआ है, जिससे 2,03,00,000 करीब एडवांस बुकिंग हुई, तो इससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि ये मूवी जो है 10 करोड़ के आसपास कमाएगी। तो अगर 10 करोड़ इसमें जोड़ देते हैं
तो ये मूवी जो 508 करोड़ के पास थी वो कहीं ना कहीं ये मूवी 518 करोड़ के आसपास चली जाएगी इंडिया नेट में। और अगर उस हिसाब से 10 करोड़ अगर मानते हैं तो उसमें से अगर 9 करोड़ 1 करोड़ मान लीजिए साउथ से निकाल देते हैं तो ये जो 457 करोड़ था वो 400 आपको हो जाएगा 66 करोड़। तो मतलब अभी भी 500 करोड़ को जो हिंदी में जो गदर का रिकॉर्ड है उसको तोड़ने के लिए अभी टाइम है। लेकिन इसके जो कलेक्शन है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एडवांस बुकिंग ये गिरता जा रहा है। तो अब देखते हैं कब तोड़ते हैं 500 का रिकॉर्ड। लेकिन इसके साथ ही 15वें दिन का जो एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट आ गया है उस रिपोर्ट के हिसाब से अलग अलग किया है। जैसे किसी ने एक लाख से कम इसके कलेक्शन बताया और किसी ने 1,340,000 टिकट सेल हुआ है अभी के हिसाब से। ये 15वें दिन का एडवांस बुकिंग है। तो 15वें दिन हिंदी में इसका टिकट सेलिंग हुआ है 82,509, तमिल में हुआ है 6,431 और तेलुगु में हुआ है 10,195, जिससे जो एडवांस बुकिंग होती है वो है 1,94,00,000 रुपया। अब ये सारा जो है अगर आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए कि 22,000 कल से टिकट कम सेल हुआ है तो कल का प्रेडिक्शन अगर 10 करोड़ के आसपास है तो कहीं ना कहीं 15वें दिन का कलेक्शन पहली बार ये 10 से नीचे जाएगा और ये कहीं ना कहीं 8 करोड़ के आसपास आके रुक जाएगा। तो ये रहा जवान का अभी तक का रिकॉर्ड। तो अभी हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में 901 करोड़ कमाई है तो उसमें आप जोड़ते जाइए। तो ये अभी मतलब 915वें दिन के बाद मुझे लग रहा है 901 करोड़ है तो 15वें दिन के बाद ये चला जाएगा करीब 930-40 करोड़ के आसपास जाएगा। लेकिन गदर का अभी भी रिकॉर्ड जो है 500 करोड़ का या बाहुबली का जो रिकॉर्ड है 511 करोड़ का वो हिंदी का केवल, उसको तोड़ने के लिए अभी भी टाइम है। देखते हैं कि कब तोड़ती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।